गाजियाबाद में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक पिता ने अवैध संबंध छुपाने के लिए अपने बेटे और उसके दोस्त का सहारा लिया। इतना ही नहीं, पिता ने बेटे के साथ मिलकर महिला के पहले गला दबाकर हत्या कर दी और फिर हत्या को सड़क हादसा दिखाने के लिए शव को सड़क पर फेंक कर फरार हो गए। यह हैरान कर देने वाली घटना गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र की है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि एरिया जीटी रोड से धर्मकांटे के पास एक महिला का शव पड़ा हुआ है। जब पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो सामने आया कि महिला की मौत गला दबाने से हुई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो शक मृतक गांव निवासी चरण सिंह पर पहुंचा। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो पूरे आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि चरण सिंह के मृतका से बीते 7 साल से प्रेम संबंध थे। हमारे सिविल लाइन चौकी इंचार्ज थाना क्षेत्र कोतवाली को कुछ लोगों ने एक युवती की अवैध अचेत अवस्था में उसको लेकर आए। तुरंत ही हम लोग MMG अस्पताल पहुंचे, वहां पे पुलिस उसके लेडी को लेकर पहुंची, तब डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। उसके बाद ही पुलिस को 112 को कविनगर थाने की सूचना मिली थी कि एक ट्रॉलर है जिसने कि एक युवती को इस तरह से एक्सीडेंट में मार दिया है। इसके बाद तुरंत ही हमने एक एक्सीडेंट का मुकदमा पंजीकृत करा। इन युवती का जब हमने PM की रिपोर्ट आई तो उसमें मैनुअल थ्रॉटलिंग और स्मॉदरिंग आया। इसके बाद ही पुलिस का इसमें शक गहराया। हमने इसके बाद जब प्रॉपर तरीके से CCTV फुटेज की और आसपास के लोगों से जब पूछताछ करी तो पता लगा कि एक होटल में से ये युवती और एक दूसरे सज्जन जिनका नाम चरण सिंह है ये वहाँ से निकले थे। उसके बाद ही इनके बेटे और ये वहाँ पे वैगनआर में वहाँ पे घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। और बाकी जब हम लोगों ने CDR का अवलोकन करा, मैनुअल इंटेलिजेंस से पता करा, तो पता चला है कि ये चरण सिंह इन युवती से पहले से ही परिचित थे और ये और इनका बेटा पीछे वैगनआर से स्ट्रॉलर के पीछे आ रहे थे और इन्होंने उस युवती को संभवतः पकड़ के इन्होंने गला दबा के उसको मार दिया और बाद में ये सारा इंजाम इन्होंने ट्रॉले वाले पे लगा दिया कि एक्सीडेंट से ये युवती का मारी गई है। ये क्या मुख्य कारण था? देखिए जितना पूछताछ में सामने आया कि मृतका का एक मकान खरीदार देने का दबाव चरण सिंह पर बना रही थी। जब ये बात चरण सिंह की बेटी रोहित को पता चली तो उसने विरोध किया। इस पर पिता पुत्र ने मोनिका का मर्डर करने की प्लानिंग बनाई। पहले से ही इनका खिटपिट चल रहा था। ये युवती नोएडा की रहने वाली है और पहले भी इसी इनके खिटपिट को लेके पहले भी 151 में इनका चालान काटा जा चुका है गिरधरपुर से चरण सिंह का, उसी को लेके इन्होंने ये कृत करा है। सर ट्रोलर वाले को भी कन्विंस करने का प्रयास इन्होंने किया कि आपके द्वारा एक्सीडेंट किया गया या जिससे महिला की मौत हुई है, तो किस तरह के सर कन्विंस कर रहे थे और ट्रोलर वाले की सर क्या बातचीत हो पाई, क्या उसका कहना है? देखिए पूछताछ में इन्होंने बताया है कि जो ट्रॉला था उसके पीछे वैगनआर से ये लोग चल रहे थे और इन्होंने जैसे युवती को जब इन्होंने मार दिया बाद में ट्रॉले वाले को रोक के इन्होंने ये बताया कि तुम्हारे ट्रॉले से ही हमने देखा था ये युवती वहाँ पे खड़ी हुई थी, ट्रॉले से ये युवती भिड़ गई और इनका इनकी मृत्यु हो गई है। और फिर बाद में इन्होंने ट्रॉले वाले को डरा धमका के उसकी एक वीडियो भी बनाई, लेकिन जब मौके पर जब हमने जाके देखा प्रॉपर तरीके से CCTV का अवलोकन करा, वीडियो फुटेज देखा, टाइमिंग का मिलान करा, तो पता लगा है कि इन लोगों ने ही उसको मारा है और ये पूरा इंजाम ट्रॉले वाले पे डालकर उसके खिलाफ मुकदमा लिखवाया था। आरोपियों ने हत्या को सड़क हादसे में बदलने का पूरा प्लान बनाया था, लेकिन कहते हैं ना कि आरोपी कितना भी शातिर हो पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाता है। पुलिस ने इस मामले का कुछ ही दिनों में खुलासा कर तीनों आरोपी चरण सिंह, उसके बेटे रोहित और दोस्त संदीप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पंजाब की CCTV के लिए गाजियाबाद से संजय मित्तल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।